करियर इन अकाउंटिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अकाउंटिंग में करियर। देखिए, इंडिया में अकाउंटेंट तो बहुत सारे, कोई कैश बुक में काम कर रहा है, कोई R2R में काम कर रहा है, कोई अकाउंट्स पेबल में काम कर रहा है। क्या ये एक्चुअल में अकाउंटिंग है? अगर मुझसे पूछा जाए तो ये अकाउंटिंग नहीं है, ये जूनियर अकाउंटिंग की प्रोफाइल है जहां पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो इंडिया के अकाउंटेंट को अगर सच में ग्रो करना है तो उन्हें भी स्पेशलाइजेशन की ओर जाना चाहिए। और सर, ये स्पेशलाइजेशन कैसे आ सकता है? देखिए, अकाउंटिंग में भी वेरियस सेगमेंट्स होते हैं। जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स में अकाउंटिंग में जा सकते हैं, आप आपके करियर को लीज अकाउंटिंग में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप आपके करियर को एम्प्लॉयज की पेरोल अकाउंटिंग में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन अगर नहीं होगा तो आपको कभी भी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए, एक फ्रेश ग्रेजुएट और अगर एक्सपीरियंस भी है, मैं आपसे कहूं कि आप कोशिश कीजिए कि इंडियन कंपनी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज या फॉरेन अकाउंटिंग में अपना करियर बनाए। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन हो सकता है, सर ये फॉरेन अकाउंटिंग में करियर कैसे बना सकते हैं? क्या सर उसके लिए हमें फॉरेन जाना है? क्या हमें कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया या USA जाना पड़ेगा? नहीं, इंडिया में बहुत ज्यादा वर्क आउटसोर्स होकर इंडिया में आता है, फिर चाहे वो UK से रिलेटेड हो, आयरलैंड से रिलेटेड हो, USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारा बल्क में काम इंडिया में आ रहा है, आउटसोर्स होके भी आ रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में है। तो जब तक आप स्पेशलाइजेशन नहीं सीखेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस फिर भी 1 लाख सैलरी नहीं, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लेकिन आपने स्पेशलाइजेशन अचीव कर लिया, वो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो आपको इंडिया में रहकर एक तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल सकती है, और आप फ्रीलैंसिंग में भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम इंडिया में आ रहा है, और बुक कीपिंग का भी बहुत सारा काम है। बुक कीपिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं क्विक बुक प्रो एडवाइजर सीखना चाहिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर क्विक बुक इंडिया में तो नहीं चलता। हाँ, इंडिया में नहीं चलता, US में चलता है, कैनेडा में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं। तो हमें इंडिया की अकाउंटिंग नहीं करना है, हमें इंडिया के GST की रिटर्न फाइल नहीं करना, TDS का काम नहीं करना, हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग करना है। उसके लिए IFRS और US GAAP और क्विक बुक का नॉलेज चाहिए। और इसीलिए AKPIS आपको IFRS, क्विक बुक और US GAAP का कॉम्बो नॉलेज देता है, जिससे आपका प्लेसमेंट हो जाए। अभी US में, US बेस्ड कंपनीज में बहुत सारे प्लेसमेंट हमने कराए हैं, उसके साथ साथ UK में, दुबई में, और बहुत सारा जो अकाउंटिंग का वर्क है। और ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट जो कि 10,000-15,000 की जॉब के लिए भी स्ट्रगल करते थे, उनको भी 30,000-30,000 की जॉब मिल रही है क्विक बुक के सॉफ्टवेयर को सीखकर। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट को क्विक बुक 100% सीखना चाहिए, जिससे कि आपको अकाउंटिंग का बहुत अच्छा काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं इंडियन अकाउंटेंट से कहूंगा कि आप स्पेशलाइजेशन की ओर जाइए, आप फॉरेन अकाउंटिंग में अपना करियर बनाने के लिए देखिए। अगर आपने फॉरेन अकाउंटिंग में अपना करियर बना लिया, आपको ग्रोथ भी बहुत मिलेगी और अच्छे पैकेजेस आपको मिलेंगे। इंडियन कंपनीज कभी भी उतना पैकेज आपको नहीं देगी, क्योंकि इंडियन कंपनी क्या करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेती है बड़ी प्रोफाइल के लिए। तो मेरी एडवाइस, लर्न US GAAP, IFRS और क्विक बुक, ये तीनों आपको अकाउंटिंग फील्ड में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।